मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम बोल डी सचेट का रिव्यू करेंगे। अगर इस बोल्डी सचेट के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सामने आपको ये छोटा सा कॉटन दिख रहा है जो कि बोल्डी सचेट इसमें रखा हुआ है और ये मेडिक्रॉस फार्मा का बेस्ट प्रोडक्ट है और इसके कंपोजिशन पे भी हम नज़र डालेंगे। इसका जो कंपोजिशन है देखिए, शेक्रोमाइसेसिस बोयुलोरिडी लैक्टिक एसिड बैसिलस ये सचेट है। ये 1 ग्राम का सचेट है और इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए इसके यूज़ जानते हैं। ये ओनली पीडियाट्रिक सचेट है और कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अक्सर हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें लूज मोशन किसी इन्फेक्शन होने की वजह से स्टार्ट हो जाता है, तो उन कंडीशन में क्या होता है कि हम कोई भी एंटी डायरियल एंटीबायोटिक दें लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं होता और उन्हें लाइटरिंग दिन भर में 4 बार 5 बार 6 बार पतली दस्त होती है, तो उन कंडीशन में इस बोल्डी सचेट का हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का तरीका जो है, एक सचेट मतलब एक एक सचेट सुबह शाम दे सकते हैं। एक या दो चम्मच पानी में यानी कि ताज़ा पानी हो और बॉयल वाटर करके उसको ठंडा करके ही उसमें मिलाएं, क्योंकि गर्म पानी में डालने के बाद ये सचेट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, यानी कि इसमें जो लैक्टिक एसिड बैसिलस की बैक्टीरिया होती हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं। इसलिए इसको कभी भी दें तो इसको ताज़ा पानी और ठंडे पानी में दें। या ये तो हो गए एंटी डायरियल इन्फेक्शन में इसका एंटी डायरियल सिरप के साथ दिया जाता है, बट एक और भी जगह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि कभी कभी हमारे बच्चों को ढेर सारी दवाई चलती है जिसमें हैवी एंटीबायोटिक होती हैं, यानी कि कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक डायरिया, यानी कि एंटीबायोटिक चलने की वजह से कुछ बच्चों का पेट गड़बड़ हो जाता है, तो उन कंडीशन में पेट को सही रखने के लिए इस बोल्डी सचेट को हम दे सकते हैं। और बोल्डी सचेट जैसे कि हमारे बच्चों की जो आँत है उसमें गट जो प्रॉब्लम होती है नहीं गट को मजबूत बनाता है और कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो उनकी जो हाजमा दुरुस्त रहेगा और उन्हें पतली लाइटरिंग नहीं होती, वो बिल्कुल सही लाइटरिंग करेंगे। यानी कि मैंने बताया कि अगर किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए और कोई भी एंटीबैक्टीरियल दवा दे रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके साथ हम इसको बोल्टी सचेट को जोड़ सकते हैं या साथ में जोड़ सकते हैं, या उन्हें कोई बहुत ढेर सारी मेडिसिन चल रही हो जिसमें हैवी एंटीबायोटिक हो उसकी वजह से पेट गड़बड़ हो तो उन कंडीशन में भी दे सकते हैं, या ऐसे हमारे बच्चों को कोई जैसे कि आँत में गड़बड़ी हो या इन्फेक्शन वगैरह हो उसको दूर करने के लिए भी इस बोल्डी सचेट को देते हैं। अगर इस बोल्डी सचेट के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।